आप ये भी देखिएगा, ये नहीं कहेगा कि वो धुआंधार वो वो अपनी समझदारी से कोशिश करके वो कोशिश करेंगे 300 प्लस हम स्कोर करें, 300 प्लस 310 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, इस तरह से वो खेलेंगे। रोहित शर्मा छक्का फिर छक्का फिर चौका, मैंने कहा बेटा बंद कर दो मैच, इससे ज्यादा हम देख नहीं सकते, बस मॉइस्चर होगा, इनको तो पता ही नहीं चलेगा गेंद कहाँ से कहाँ जा रही है, स्विंग होगी सीम होगी, वो जाके देखो फिर उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, फिर समझदारी से खेले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, इंडिया ने तो 500 कंफर्म ही मारना था, ये कुछ मैच खेलने का तरीका है यार। मैच हमने देखा है, रोहित शर्मा ने तो अपना आप बताया, उसने बताया वो इतनी बड़ी टीम का कैप्टन किस वजह से है, वो उसने अपनी फॉर्म दिखाई है और किस वजह से वो इस नंबर पे है उसने ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, शेरगुड टीवी चैनल में आपका स्वागत है। कल मैच तो सबने ही देखा होगा और पाकिस्तान की बहुत भलाई भी की रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने, और पाकिस्तानियों ने ये सोचा नहीं था कि उनकी बॉलिंग की ये हालत होगी, और पाकिस्तान वाले तो बहुत ही डरे हुए हैं और कई तो पाकिस्तान के लोग रोने भी लग गए इतनी दलाई देखकर पाकिस्तान की। और शाहिन शाफरीदी को तो बहुत ही पीटा शुभमन गिल ने, उनके वर्ल्ड क्लास बॉलर जो हो और ऐसे पिटते हुए, तो पाकिस्तान की जो जनता है उनको आप समझ ही रहे हैं, उनको क्या होगा, दर्द तो होगा ही। तो चलो भाई, पाकिस्तान की जो भी जनता है उनका मीडिया उनका रिएक्शन देखते हैं कैसे उनकी जली पड़ी है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भी करो भाई, सपोर्ट करो भाई, और चलो देखते हैं वीडियो। साइड में एक रेड बटन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना मोहसिन भाई, मुझे बताइएगा कि एक तो पहले जो डिसीजन बाबर ने लिया कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, ये जानते हुए कि जब बारिश होने वाली है तो आपको डकवर्थ लुईस के तहत जो है फॉर्मेट एक ऐसा मिल सकता है जिसके अंदर इंडिया को एज मिलेगा और उनके स्पिनर्स काम कर सकते हैं, ये बहुत बोल्ड डिसीजन था, सही था या गलत आप जाहिर सी बातें बता सकते हैं। एक ये, दूसरा ये ऐड कर दीजिएगा कि कल जब मैच शुरू होगा तो इंडियन बैट्समैन तो आएंगे चौके छक्कों की बारिश करने के इरादे से और वो सेटल हो चुके होंगे, क्योंकि विराट वहां पर खड़े, केएल राहुल वहां पर खड़े, उन्होंने अपना जितना भी डर और खौफ था वो आज फेस कर लिया 20-20 बॉलों के साथ तकरीबन। कल उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, अब बोलिंग हमसे उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितना हमें करना चाहिए थी सिवाय के, लेकिन क्रेडिट इनको जाता है, उन्होंने अटैक, उन्होंने आके वो फौरन अटैक पे चले गए। अब जैसे उसने, जैसे मैंने 10 चौके मारे उसने शुभमन ने, शुभमन ने, और उसने 6-4 छक्के मारे इसने रोहित ने, दैट शोज के उन्होंने कहा इनको हम अपने ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। अच्छा, उसका क्या, वही मैं बात कर रहा हूँ, जब देखा कि ये होता है, देखिए कभी कभी आपने फौज में भी देखा होगा, जंग में देखा होगा कि एक अटैक और एक थोड़ी सी डिफेंस की पूरी टेक्निक चली जाती है, यही तो गेम प्लान है। रोहित और शुभमन जो है वो साइड पे हुए, ऊपर से विराट, केएल राहुल, अल्लाह यार ऐसा प्रेशर कौन डालता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब कि आज तो चांस ही नहीं था। हम लोग तो मतलब मेरे घर में पूरे हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स ना, रात को हम लोग पूरी रात नहीं सोए, कल इंडिया पाकिस्तान के बाद पूरी रात नहीं सोए, फाइनली बारिश हो गई, अल्लाह ने हम पे रहम किया, मतलब पहली दफा बारिश इतनी अच्छी लगी है, मुझे कभी नहीं लगा था बारिश ऐसे लग रहा था आसमान से डायरेक्ट रहमत आ रही है, अल्लाह की सपोर्ट। गैबी इमदाद का पता ही होगा आपको, गैबी इमदाद आई है आज पाकिस्तान के लिए, आज अगर बारिश ना होती तो जो होता हमारा वो सब देखते। प्यारी समझ गई। यार बस ये तो पाकिस्तानी बोला रहे शादाब को कितना पड़ गई, और वो अरे रऊफ को, और इसके अलावा शहीन को, शहीन हमारा मेन बोला रहे उसको भी, मतलब ये तो शुक्र है बारिश हो गई यार, अगर बारिश ना होती तो हमारा पाकिस्तान तो चला गया, अल्लाह का शुक्र है यार बारिश हो गई, यार बारिश ना होती तो हमारा मैच हाथों से गया था, ये तो शुक्र कर बारिश हो गई, अगर बारिश ना होती इंडिया ने तो 500 कंफर्म ही मारना था, ये कोई मैच खेलने का तरीका है यार। कल के लिए नहीं कहूंगा, देखिए मैं दीनों क्रिकेटर में बात कर रहा हूँ और पाकिस्तानी क्रिकेटर, बहुत समझदारी से क्रिकेट खेलनी है, दिमाग इस्तेमाल करना है, ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो आज का जो मुझे लगता है जो चक्कर हुआ ना, मॉइस्चर होगा, इनको तो पता नहीं चलेगा गेंद कहाँ से कहाँ जा रही है, स्विंग होगी सीम होगी, वो जाके देखो फिर उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो समझदारी से खेले। और मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, आप किसी कमजोर से कमजोर टीम की तरफ के खिलाफ भी क्यों ना खेल रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान इंडिया का, जब तक आप उस टीम को हराएं ना, अच्छी परफॉर्मेंस देखे, जब तक ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कभी भी, और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज है, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस रखें, और आप कल जब जाएं तो एक समझदारी से प्लान, क्रिकेट कोच के साथ बैठे बाबर और बैठ के जी मैं क्या, मुझे 2-3 प्लान दें कि इसी अभी गेम उनकी टोटली उनके कंट्रोल में, 24-25 ओवर में 150 कर दिया था, और आप मैं कहता हूँ आप ये भी देखिएगा, ये नहीं कहेगा कि वो धुआंधार वो अपनी समझदारी से कोशिश करके वो कोशिश करेंगे 300 प्लस हम स्कोर करें, 300 प्लस 310 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, इस तरह से वो खेलेंगे। तो हमें अपनी अपनी प्लानिंग के जाना है कि उनकी प्लानिंग हम तोड़ देना। और जो सेकंड बात करें हम शुभमन गिल की, तो उसकी बात करें तो उसने बड़ी अच्छी बैटिंग दी है, अच्छी बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन थी इंडिया की, बड़ा अच्छा खेला उसने, बहुत अच्छा स्कोर किया है,
अभी तो विराट कोहली, और विराट कोहली तो ठीक है हमेशा की तरह लेजेंड, हमें जो केएल राहुल है उनका भी अलग फेस नजर आया, लेकिन उनका पाकिस्तान की बोलिंग पे प्रेशर ही नहीं नजर आ रहा था यार। भाई प्रेशर कैसे होता, आज वो पता कैसे आए थे, आज उन्हें पता था कि यार अगर हमने जाना है या तो आउट होकर बाहर आ जाए या फिर इनको 500 के जो है ना वो दिखा देंगे लाइन के, भाई हमें 500 तक जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो उनका रोहित है ना, सॉरी रोहित शर्मा है, आप वो देखिए उसने गिल को कैसे खिलाया, वो बड़े आराम से उसने खुद अपने आप को संभाला, उसे कहा कि तू चल तू खेल जितना खेल सकता है, वो गिल खुल के खेला है, ऐसा ही है। बात ये नहीं है, सबको पता है कि जो इंडिया की बैटिंग है वो एक नंबर से लेकर 8 नंबर तक बेस्ट है, सारी दुनिया को पता है। जैसे हम कहते हैं जी हमारी जो बॉलिंग है वो सबसे बेस्ट है दुनिया की, लेकिन अब आपके सामने ये है कि आप ये देखें कि आज आपकी बॉलिंग कहाँ गई, आपके जो पहले 10 ओवर है उसमें आपकी ऐसी फेंटी लगी है आपको समझ नहीं आई आपके साथ हुआ क्या। पहले तो वो बाबर आजम किस चीज़ का कैप्टन है, उस नलायक को यही नहीं पता चला कि भाई वही इंडिया जो लास्ट टाइम खुद टॉस विन करके खुद खेलने आ गया, तू इतना तेरे पास है कौन है, इतना बड़ा प्लेयर कौन है, तेरे नाम आता है मार के जो टीम के अंदर के बाबर आजम के अलावा आप बता दें किसी का नाम आता है नहीं। कैसे सवाल पूछ सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, बारिश होगी, ये होगा, वो होगा, आप खुद सोचे पहले 10 ओवर में रिजल्ट आ गया था, उस पर बात करना बनता नहीं है। देखो रोहित ऐसे उसे छक्के मारे है ना, पाकिस्तान के छक्के छूट गए, बॉलर्स तो सारे के सारे। अच्छा शाहीन जब कैच पकड़ने लगा उसे हाफ इंजरी को तो ऐसे अंदर चला गया ना, उसके बाद तो हमारी सारी उम्मीदें वैसे ही नीचे बैठ गई जमीन के ऊपर, मतलब क्या आती पाती के बैठ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। जैसे वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता हुआ नजर आया, हम लोगों ने कहा बस बेटा अब तो आज तो हम लोग गए, जो शाहीन जो जिसके पीछे हम लोग पूरी क्रिकेट टीम हमारी खड़ी हुई है और जो मतलब हमारा ऑल द टाइम जो है हमारा पेसर सबसे बेस्ट रहा है, वही बंदा जो है वो बैठ गया। उसके बाद हुआ क्या, सबसे मजे की बात ही हुई, रोहित शर्मा छक्का फिर छक्का फिर चौका, मैंने कहा बेटा बंद कर दो मैच, इससे ज्यादा हम देख नहीं सकते, बस हो गई हमारी। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, उसके बाद हुआ ये शुभमन गिल, आईपीएल के बच्चे हैं ये, तो आईपीएल के बच्चे खेलने आ गए, इंटरनेशनल कहाँ इनसे संभाला जाएगा, ये प्रेशर नहीं संभाल देते, ये हमारी पाकिस्तानी आवाम जो कि हमारी पाकिस्तानी टीम का मोराल इतना अप कर देते हैं कि जब असल मैच होता है ना तो हम लोग शक्लें देख रहे थे एक दूसरे की, वो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं बाद में शक्ल नजर नहीं आती यहाँ पे हम लोगों को, क्या हमारा मसला ही यही है यार। हम लोगों ने ना कहने कि भाई हम लोग सबसे आगे हैं, नंबर वन ओडीआई टीम, नंबर वन ओडीआई बैट्समैन, ये वो कॉन्फिडेंट हो गए, वर्ल्ड क्लास बैट बॉलिंग है हमारी, देख लो पहले 10 ओवर में शक्ल नजर आई थी ना आईने के अंदर ऐसे बड़ी करके, बड़ी स्क्रीन पे हमने देखा है कि हम लोग किस तरह से रूल रहे थे। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुबतला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा, जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह। चाचा चले या ना चले, लेकिन जैसे उनके रोहित शर्मा है, गिल है, कोहली है, आगे वो जडेजा है या दूसरा पांड्या, कोई भी आप नाम उठा के देख रहे हैं, ये पता होता है यार ये 50 करेगा ठीक है ना, बस वो नहीं होता। लेकिन आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं यार पाकिस्तान की टीम में कौन सा वो बैट्समैन ऐसा जो 50 या सेंचुरी करेगा, आपने भी मुझे यही कहना या बाबर, इसके अलावा कोई है ही नहीं है, तो भाई आप क्यों आगे उन्हें कह रहे हैं कि आप आगे बैटिंग करो, आपको नहीं पता, या तो आपको ये पता था कि बारिश होनी है, पाकिस्तानी हाथ उठाएंगे दुआएं करेंगे कि बारिश हो जाए, वही काम होगा, बारिश होगी बस, मतलब कि बारिश ने बचाया आज भाई, ठीक है मतलब आप शोएब अख्तर कह रहे हैं कि यार आज पाकिस्तान को बारिश ने बचाया, इससे आगे क्या, शोएब अख्तर तो वहां ग्राउंड के अंदर मौजूद है, शोएब अख्तर ने खुद आगे मीडिया में कहा कि पाकिस्तानी पिछले मैच में इंडिया को बारिश ने बचाया था, इस बार तो पाकिस्तान की बहुत बचत हुई है भाई, ऐसे ही हर घर में आप देखे ना, मैं बहने ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बारिश दे दे, वरना जो पाकिस्तान है 500 पे जाना, सीक्रेट हो जानी थी पाकिस्तान में, लग रहा है सीक्रेट बिल्कुल हो जानी थी यार। देखिए उन्होंने हमारी बॉलिंग बेस्ट ट्राई होती है, 10 सालों में ही उन्होंने शीशा दिखा दिया, उन्हें आईना दिखा के रख दिया कि यार ये आपकी बॉलिंग है। आज मैं सबसे पहले तो बॉलिंग पे बात करूंगा, हमारे शहनशाह अफरीदी जो हमारे स्विंग के मास्टर समझे जाते हैं, लेजेंड समझे जाते हैं पाकिस्तान में, आज उनकी बॉलिंग की तरफ नजर नहीं आई, उनकी एक भी स्विंग नजर नहीं आ रही, उनकी स्पीड नजर नहीं आ रही, नसीम शाह की बॉलिंग फिर भी अच्छी थी। अगर पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, हमारी मिस फील्डिंग देखें आप कितनी थी, हमने कैच कितने छोड़े हैं, पीछे चाचा जी खड़े हैं, आगा सलमान खड़े हैं, हम कह रहे हैं उसका कैच है, वो कह रहे हैं उसका कैच है, दोनों ने नहीं किया यार, कोई तो कोशिश करता आपने, शहनशाह अफरीदी ने चलो कोशिश तो की थी कैच छूट गया। लेकिन अगर हम बात करें जैसे भाई ने बात किया बाबर आजम की कैप्टेंसी की, सबसे पहले तो उन्हें ये रखना चाहिए कि वो अकेले कुल नहीं है यार, सीनियर भी कोई चीज़ होते हैं, जब आपके सीनियर्स बैठे ये कह रहे हैं, एनालिस्ट बैठे ये कह रहे हैं आपको टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, जब उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, एक कमेंटेटर ने भी उन्हें बोला कि यार आपके पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, तो वो कह रहे हैं यार इट डजंट मैटर, ये बात मुझे उनकी बहुत बुरी लगी है, उनकी कैप्टेंसी में या उनमें थोड़ा सा कुमार आ गया शायद। लेकिन मैं एक बात करूँ आपसे, मुझे नहीं पता ये सच है कि क्या, लेकिन जो दिखता है वही करनी चाहिए। अब देखिए ना शहनशाह ने कैसे उसका कैच छोड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है कि शहनशाह को अगर विकेट नहीं मिले तो उसने वो जान के कैच छोड़ा, भाई अगर मुझे नहीं मिली तो तुझे भी ना मिले, ठीक है ना। बाबर आजम का भी यही काम होता है कि अगर इमाम उल हक बैटिंग करने आ जा रहा है वो 50 बना रहा है ना, उसे पता चल जाता है कि यार ये मेरे से आगे जा रहा है, अगले मैच में वो उसे उठा के बेंच पे बिठा देगा, बाबर आजम का यही काम होता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें देखनी पड़ेंगी कि ये कहीं अपने लिए ही खेलते हैं या पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, मुझे तो नहीं लगता। आज देखिए ना वो एक आसान सा कैच जो उसने छोड़ा है, उसके बाद जो स्लिम में कैच उन्होंने छोड़ा है, तीन बंदे आपके पास हैं, तीनों में से एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, जिनमें वो स्ट्रेट रमा नहीं लगा होता की जुग मार रहे हैं वो ऐसे देख रहे थे। चलिए ये बातें एक साइड पे, हम कल के लिए बात करते हैं, कल पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग होकर आएगा, लाइक देखें इंडिया पूरी तैयारी के साथ आएगा पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करने, आज की है, कल हम क्या तैयारी करेंगे, हम क्या उनके बॉलर्स की तैयारी कर लेंगे, हम की बैटिंग को आउट करने की तैयारी कर लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई जान।
अगर वो आज अच्छा खेल गए हैं ना तो कल वैसे डबल फेंडी लगेगी पाकिस्तान को, ये आप याद रखिएगा। आप क्यों, आप क्या मानते हैं? यार मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा, यू कांट इवन इमेजिन, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते आपने फेस कर लेंगे जैसे इंडिया की तैयारी करके आई है, जैसा उन्होंने प्रेशर शुरू में ही डाल दिया। पाकिस्तानी बॉलर का भी इतना कैलिबर नहीं है, नो डाउट वो बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन इतना कैलिबर नहीं है कि इंडिया के ऐसे प्रेशर को भी चेज कर सके, संभाल सके या उसे फेस कर सके। इंडिया देखिए ना, एशिया कप के अभी जितने पाकिस्तान के मैच हुए किसी टीम को उन्होंने कंप्लीट वो 50 ओवर का नहीं मैच होने दिया, सबको 50 ओवर से पहले ही आउट किया। लेकिन आज क्या हुआ कि 10 ओवर हो गए आपको, आपके जो आ रहा छक्के चौके फेंटी लग रही है और आपको पता नहीं है कैप्टन वो नलायक इंसान है कि एक ओवर में शादाब खान को 19 स्कोर पड़ गया, दोबारा से उठा के उसको दोबारा ले आया, हाँ भाई तू आ जाते तो ये क्या कि भाई वो आप रिकॉर्ड किसी और चीज़ में अपने बनाने जा रहे थे, इस वजह से आपको शौक था कि यार।